If you have understood the new covenant, you have understood the biggest secret in the Christian life. अगर जो आपने You have understood the new covenant. अगर जो आप नई व्यवस्था को, नए ये नियम को समझ गए हैं तो Then you understood the greatest secret in the Christian life. तो मसीह जीवन का सबसे रहस्य की या भेद की बात को आप समझ चुके हैं. By that I don't mean New Testament 27 books. उसका मतलब नई व्यवस्था को या आज्ञाओं का या न्याय नियम का मतलब ये नहीं कि जो 27 किताबें वो. See, we divide the Bible into Old Testament and New Testament. हम बाइबल को दो भाग में बांटते हैं, नया नियम और पुराना नियम. But there's a human words you never find in the Bible the word at the beginning of Matthew New Testament. और कभी भी ये सिर्फ मनुष्य जो है लफ्ज दिए गए हैं, कभी भी आप मत्ती के मैथ्यू में नहीं मिलेगा कि क्या कहते हैं ये नया नियम. And it doesn't say in Genesis 1 Old Testament. और उत्पत्ति में नहीं लिखा होगा कि ये पुराना नियम है. The Bible is 66 books, all of it is for us. और बाइबल में जो है 66 किताबें, ये सब हमारे लिए है. Part of it is before Christ and after Christ. और कुछ प्रभु ईसा पूर्व है और बाकी जो है ईसा के बाद. Just like the calendar is divided before Christ and after Christ. जैसे कि कैलेंडर दो हिस्से में बांटा गया है, ईसा पूर्व और ईसा के बाद. But old covenant is what God made with Israel, the law. जो पुराना वाचा है वो इज़राइली लोगों के साथ परमेश्वर ने बांधा. The new covenant is what God made with the church through Jesus Christ. और जो नई वाचा है वो नए नियम के विश्वासियों के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा. And I told you one of the primary differences is old covenant was all external things. और मैंने पहले ही बताया ये जो पुराने नियम की जो वाचा है वो सब बाहरी तौर से है. Don't do this, don't do this, all on the outside sins. कि बाहर के जो जितने पाप है वो ना करें. But in the new covenant, Jesus changed all that in the Sermon on the Mount. लेकिन नई वाचा जो है, जो उपदेश पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बदल डाला. He said in the Old Testament they said don't commit murder. I say you should not be angry. और पुराने नियम में परमेश्वर ने बोला है कि किसी का खून ना करें, लेकिन वहीं पे नई वाचा में प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि किसी पे क्रोधित ना हो. He is saying that anger can lead you to hell. और वो बोलते हैं कि अगर जो क्रोध करते हो तो तुम नरक में जाओगे. In the old covenant it was don't commit adultery, but in the new covenant Jesus said if you lust after a woman that's adultery. और पुराने नियम में कहा है कि तुम व्यभिचार ना करें, और नए नियम में कहा गया है कि तुम किसी स्त्री का लालच ना करें करके. And the other difference in old covenant and new covenant is old covenant was only partial, new covenant is complete. और देखते हैं कि पुराना नियम, पुरानी जो वाचा है वो केवल एक हिस्सा है, लेकिन नए नियम या नया वाचा जो है वो पूर्ण है. Like one day in seven you had to give to God in old covenant. और पुराने नियम के अनुसार देखते हैं कि सात दिन में से एक दिन परमेश्वर को देना है. Some people say the Christians have changed the Sabbath day to Sunday. और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि मसीह लोगों ने सबत दिन को इतवार के दिन बना दिया है. No. नहीं. In the Old Testament, Saturday, Sabbath day was holy. और पुराने नियम के अनुसार शनिवार का दिन वो सबत दिन है और वो पवित्र दिन गिना जाता है. Today it is not Sunday. For me, seven days are holy. लेकिन आज के नई वाचा के अनुसार सातों दिन पवित्र हैं. Monday, Tuesday are also holy. और सोमवार, मंगलवार सब पवित्र हैं. What was one day in seven has now become seven days in seven. पहले जो सात दिन में एक होता था, अब सातों के सात दिन वैसा हो गया. In the old covenant, they said you must present your firstborn male son to God. और पुराने नियम के अनुसार पहलौटा जो पुत्र होता है वो परमेश्वर को चढ़ाना है. Because in Egypt the firstborn male sons were all killed of the Egyptians. क्योंकि मिस्र में देखते हैं कि पहलौटे सबको मार दिया गया था. So your sons could also have been killed. I saved them. You must present them to me. और इसलिए जो है परमेश्वर को भेंट के रूप में अपने पहलौटे के चढ़ाना है, क्योंकि मिस्र देश के जो पहलौटे मारे गए थे उसकी जगह तुम्हारा पहलौटा भी मर सकता था. And so you must present them to me because they didn't die. इसलिए वो मरे नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे को चढ़ाना है. But in the new covenant we present all our children male and female to the Lord. लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, हमें परमेश्वर को देना है. All of them. सब, हर एक को. And same way in the Old Testament they said give one tenth to God. इसी प्रकार पुराने नियम में कहा है कि दसवां हिस्सा हमें परमेश्वर को देना है. In the New Testament, New Covenant, we और नई वाचा में all that I have is yours. और मेरे पास जो कुछ है वो सब आपका है. That doesn't mean I put all my money in the offering box. और इसका मतलब ये नहीं कि जो भेंट की बर्तन है उसमें पूरा का पूरा रकम डाल देना. That I don't consider anything mine. लेकिन मैं अपने आप में कुछ भी नहीं समझता हूँ, मेरा कुछ है करके नहीं समझता हूँ. I live in a house which is registered in my name. और मैं उस घर में रहता हूँ जो कि मेरे नाम से रजिस्टर्ड है.
I don't consider it mine. लेकिन वो मेरा है करके मैं नहीं मानता। See, this is my heavenly father's house. He has allowed me to live there free of rent. और मैं इस प्रकार से मानता हूँ कि ये मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर का भवन है और मैं वहाँ पे किराए पे रहता हूँ। So if any one of my father's children come, they are welcome to come there. और कोई भी मेरे स्वर्गीय पिता के बच्चे आते हैं तो वो सब वहाँ पे स्वागत है। It is the owner's house. क्योंकि वो मालिक का घर है। And it's the owner's children who are coming. और वो सब मालिकाना हक रखते हैं सब बच्चे, इसलिए वो सब आते हैं। Everything I have. जो कुछ मेरे पास Even है, if it's in my name, I say, Father, it's yours. You want me to give it away? I'll give it away. हालांकि वो मेरे नाम से है, लेकिन वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है और परमेश्वर उसको लेना चाहता है तो ले सकता है। Always, we must not have an attachment to anything on this earth. और इस पृथ्वी के किसी भी बात से आपका जुड़ाव नहीं होना चाहिए। Old covenant was, Lord, here is your 10%. और पुराना नियम के अनुसार ये परमेश्वर ये तेरा दसवां हिस्सा। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी अबाउट हाउ आई यूज माय 90% और उसके बाद 90% मैं किस प्रकार से इस्तेमाल करता हूँ वो ना पूछें। एंड दोज आर द पीपल हु हैव अ वेरी अनहैप्पी क्रिश्चियन लाइफ। और वैसे लोग जो है बहुत ही जो है असुखमय जीवन जीते हैं मसीह जीवन। इट्स लाइक अ वाइफ हु गिव्स 10% ऑफ हर बॉडी टू हस्बैंड। इसका मतलब वो पत्नी के समान है जो सिर्फ 10% अपना शरीर अपने पति को देता है। दैट्स नॉट राइट। 100% वी आर इन अ मैरिज रिलेशनशिप नाउ। हाँ, अब हम एक विवाह के संबंध में है परमेश्वर के साथ, इसलिए हमें 100% देना है। In the Old Testament, what they gave was like income tax. और पुराने नियम के अनुसार जैसे हम अपने जितना हमें मिलता है उसके उसका एक दसवां हिस्सा देते हैं, जैसे इनकम टैक्स देते हैं। See, like if you have a father, you don't pay income tax to your father. अगर जो आपके कोई पिता है तो आप उनको जो है इनकम टैक्स नहीं देते। But when you're in a government, you have to pay income tax. हाँ, आयकर नहीं देते हैं, लेकिन सरकार को हम आयकर देते हैं। Israel was a government controlled by God. और इसराइल एक ऐसा देश था जिसके ऊपर परमेश्वर का हुकुम था। They had to pay like income tax 10%. इसलिए आयकर जो है परमेश्वर को अपना कर परमेश्वर को देना है। God is not my CEO or government or President or Prime Minister. और लेकिन परमेश्वर मेरा जो है कोई सरकार या वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं है। God is my father. वो परमेश्वर मेरा पिता है। Have you ever heard of anybody paying income tax to the father 10%? क्या आपने कभी सुना है कि कोई बच्चा अपने पिता को अपना आयकर जो है अपने पिता को देते हैं? और जीसस क्राइस्ट इज नाउ माय हस्बैंड, माय ब्राइडग्रूम। अब यीशु मसीह मेरा जो है दूल्हा है। I've never heard of a wife giving 10% to her husband. और मैंने कभी ये नहीं सुना कि अपने आय में से 10% देते हुए अपनी पत्नी को। People who live in that are living in the old covenant. और इस प्रकार की मनस्थिति रखने वाले लोग पुराने नियम में पुरानी व्यवस्था में जी रहे हैं। The old covenant of building was important, church. और पुराने नियम के अनुसार इमारत को प्रमुखता दी जाती थी, यानी कि कलीसिया, temple, यानी कि आलय, and certain priests. और वहाँ पे याजक। But in the new covenant, everybody is a priest. लेकिन नए नियम के अनुसार हर कोई यहाँ पे याजक है। Even the sisters are priests. यहाँ तक कि बहनें भी याजक हैं। The old covenant, a woman could not be a priest. और पुराने नियम के अनुसार स्त्रियाँ वहाँ पे याजक नहीं बन सकती। There's no special building in the new covenant. और नए नियम के अनुसार कोई इमारत नहीं है, विशेष कोई इमारत नहीं है। People, केवल लोग। So these are some of the big differences in new covenant. और यही भिन्नता है नए नियम और पुराने नियम के बीच। And in the old covenant, they were defeated by sin. और पुराने नियम में पाप से वो पराजित हो गए थे। But they got forgiveness of sins. लेकिन उनको माफी मिलती थी। In the new covenant, we have not only forgiveness, but we have victory over sin. और नए नियम में ना केवल हमारे पास माफी है, बल्कि उसके ऊपर जय भी है। In the old covenant, the Holy Spirit was upon people. और पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर रहती थी। And it's like water that used to flow over us and outside. इसका मतलब ये कि जैसे पानी जो है सर से ऐसे शरीर में बह जाता है उस and प्रकार से। Many millions can be blessed with that anointing. और उस अभिषेक से बहुत सैकड़ों लोग जो है आशीषित होते थे। On the day of Pentecost, लेकिन पेंटिकॉस्ट के दिन, the Holy Spirit came inside. पवित्र आत्मा जो है हमारे भीतर आई। Not on my over me. वो मेरे ऊपर नहीं। It filled me and overflowed and millions are blessed. वो मेरे हृदय में आई और उसके बाद बाहर को उमड़ने लगी, बहने लगी। Then millions are blessed. और उसके बाद सैकड़ों लोग आशीष पाए। See, Samson had the spirit upon him. और शिमशोन के ऊपर जो अभिषेक था। So he had adultery in his heart, but he was serving God. लेकिन उसके हृदय में व्यभिचार था, लेकिन वो परमेश्वर की सेवकाई करता था। Moses had this anointing upon him. मूसा के ऊपर अभिषेक था। But in his heart he disobeyed God by hitting the लेकिन हृदय से उसने जो है आज्ञा पालन ना किया पत्थर को मारकर। But the water still flowed. लेकिन फिर भी पानी बहा।
See how a disobedient servant God could still use him. देखिएगा अनाज्ञाकारी लोग हैं फिर भी परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया. People ask me sometimes. लोग कभी-कभी मुझसे पूछते हैं. These woman preachers who are teaching God's word, the Bible says a woman should not teach. कि स्त्रियां जो हैं वचन में से सिखा रही हैं और पवित्र कलाम कहता है कि स्त्रियों को नहीं सिखाना चाहिए वचन में से. Does God bless their ministry? हाँ परमेश्वर उनकी सेवकाई को आशीष दे. When they are disobeying God's word. हाँ जब वो आज्ञा नहीं मानते उस समय. Did God use Samson when he was disobeying God? जब आज्ञा नहीं पालन किया उस समय शिमशोन को परमेश्वर ने क्या इस्तेमाल किया? Sure, he was committing adultery with Delilah and going and delivering Israel from the Philistines. और वो व्यभिचार कर रहा था दलीला के साथ उसके बावजूद परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा था इज़राइल के छुटकारे के लिए. Moses disobeyed God, but millions were blessed through his. और मूसा ने आज्ञा पालन ना किया उसके बावजूद परमेश्वर ने उसको छुड़ाने के लिए लोगों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया. God punished Samson later on. उसके बाद जो है शिमशोन को परमेश्वर ने दंड दिया. God punished Moses later on. For he didn't allow him to enter Canaan. और मूसा को भी जो है परमेश्वर ने दंड दिया और कनान देश में प्रवेश करने नहीं दिया. Still bless them. परमेश्वर ने bless their ministry. लेकिन परमेश्वर ने उसकी सेवकाई को आशीष दिया. There are many preachers and women now who disobey God's word. God still blesses their ministry. और इसी प्रकार कई सारे लोग हैं जो कि आज्ञा पालन नहीं करते लेकिन परमेश्वर उनकी सेवकाई को आशीष देते हैं. If you follow a man whose ministry is being blessed, one day you will follow someone like Samson also. हाँ, अगर जो कोई आप कोई अगर जो किसी इंसान का पीछा करते हैं जो सेवकाई में आशीष पा रहा है तो शिमशोन की तरह वो भी गिर सकते हैं. Whose the spirit is not coming inside. क्योंकि जिसके अंदर पवित्र आत्मा When नहीं आता है, the spirit comes inside, the inside gets cleaned up first, then the overflow blesses others. और जिनके भीतर पवित्र आत्मा आता है तो उनका भीतरी अंदरूनी यानी कि हृदय साफ होता है और वहां से फिर आशीष बह निकलता है और सैकड़ों लोग आशीष पाते हैं. When the spirit is upon, like in the old covenant, जिस प्रकार से पुराने नियम में पवित्र आत्मा उनके ऊपर थी, overflows over me and not from within. और उनके शरीर से बह निकलती थी, बह जाता था, और उनके भीतर नहीं जाता था. That's why Jesus said in John 7:37. इसीलिए 7:37 में यूहन्ना में लिखा हुआ है. 38. John 7:38. 7:38. He who believes in me, as Scripture said, from his innermost being will flow these rivers of Living water. वहाँ लिखा है जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसे पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल का नदियाँ बह निकलेगी. From where? कहाँ से? Not from over his head. उनके सर में से नहीं. From within. उनके हृदय से. That was impossible in the old covenant. और वो असंभव है पुराने नियम में. And that's why it says here in verse 39. और यही 39 में लिखा हुआ है. This he spoke of the spirit which some will receive in future. और यहाँ पे उस आत्मा के बारे में लिखा है कि कुछ लोग पाएंगे करके. And the spirit was not yet given like this because Jesus was not yet glorified. और अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था इसलिए वैसा आत्मा अभी तक लोगों के ऊपर नहीं उतरा था. Because till then the spirit was only upon. केवल अब तक जो है आत्मा ऊपर था. Now it is from within. लेकिन अब जो है आत्मा उतरेगी अंदर. So if God uses you in some ministry. हाँ परमेश्वर जब इस्तेमाल करते हैं आपको किसी सेवकाई में. And your heart is unclean with sin. और आपका हृदय जो है अशुद्ध है पापों से. I tell you, you can be a blessing to thousands of people. तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप दूसरे हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण हो सकते हैं. But God will deal with you in the day of judgment. लेकिन न्याय के दिन में परमेश्वर हिसाब लेगा. I'll give you an example. मैं उदाहरण देना चाहता हूँ. Matthew 7. मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 22 उसका 22 Matthew 7:22 मत्ती 7 उसका 22 Many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name cast out demons, did perform miracles in your name. उस दिन बहुत तेरे जो है मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? Weren't those people blessed? From whom the demons were cast out? देखिएगा क्या वो लोगों के द्वारा लोग आशीषित नहीं हुए जिनका दुष्टात्मा निकाला गया? So many people happy, oh, the demons are gone, I'm blessed. और बहुत सारे लोग खुश हुए कि दुष्टात्माएं निकल गई और वो खुश हुए. So many people say miracles, God's done a miracle for me through this man. और देखो चमत्कार हुआ परमेश्वर ने इस मनुष्य के द्वारा मेरे जीवन में चमत्कार किया. True miracle, not fake miracles. नकली चमत्कार नहीं असली चमत्कार. Not one or two. Many miracles. और बहुत सारे जो है चमत्कार हुए अचंबा के काम. And they come before Jesus. जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे. Do you know how many thousands were blessed through my ministry? कि प्रभु क्या आप जानते हैं नहीं कि कितने हजारों लोग मेरे द्वारा आशीषित हुए हैं? Verse 23. 23 में कहा है. I will say to them. मैं उनसे कहूँगा. Go to hell. कि नरक में जाओ. Depart from me. मुझसे दूर हो जाओ. Depart from me means go to hell. If you go away from Jesus. In the final day, that is hell. There's nothing else. मेरे पास से चले जाओ अगर जो प्रभु यीशु मसीह कहता है इसका मतलब नरक के अनुभव है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से दूर होना नरक है. Because you are practicing sin in your life. क्योंकि तुम अपने अंदर कुकर्म करने वाले हो. Inside there's sin. क्योंकि हृदय के अंदर पाप है. It's true. I used you.
हाँ ये सच है कि मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया. So don't assess your life or anybody else's life by how much they are used. और इसलिए किसी की भी जो है तोल ना करे जितना वो कार्य करते हैं उसको देखकर. Do you know that God used Pharaoh? क्या आप जानते हैं फेरो को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया? Where is Pharaoh? फेरो कहाँ पे है? I believe he is in hell. और मैं सोचता हूँ कि वो नरक में होगा. Numbers 9, Romans 9. रोमियो का खत उसमें नौमा दिया है. Have you read this verse, verse 17? क्या 9 का 17 आपने पढ़ा है? The scripture says to Pharaoh. यहाँ पे वचन कहता है फेरो से. For this purpose I raised you up to demonstrate my power in you that my name might be proclaimed throughout the whole earth. क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो. You would think those words are spoken to some servant of God. क्या आपको लगता है कि ये वचन किसी परमेश्वर के दास से कहा गया है? I have raised you up to demonstrate my power in you. हाँ, मैंने तुझ में अपनी सामर्थ दिखाने के लिए तुझे खड़ा किया. Through you my name will be proclaimed throughout the whole earth. और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर तेरे द्वारा होगा. Say, Lord, is this to a servant of God? क्या ये परमेश्वर के दास से बात किया है? It is to Pharaoh. ये फिरौन से बात किया है. Even till today we talk about how God's power crushed that mighty man and his army under the Red Sea. और आज भी हम प्रचार करते हैं कि किस प्रकार से वो महान आदमी ताकतवर राजा को जो है परमेश्वर ने अपने ताकत से जो है उसको लाल समुद्र में डुबा दिया. And those days, Pharaoh was the biggest power in the world. और उस जमाने में फिरौन जो है सबसे ताकतवर बादशाह था. And the news went round that this Jehovah God buried the whole army under the Red Sea. और ये समाचार फैल गया कि इतने महान राजा को जो है यहोवा परमेश्वर ने लाल समुद्र में डुबाकर मार दिया. So God uses many people to proclaim His name who are even unbelievers like Him. इसलिए परमेश्वर जो है किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक कि अविश्वासियों को भी इस्तेमाल कर सकता है अपने नाम की महिमा के लिए. Don't ever evaluate your life by how much you are used by God. कभी भी जो है अपनी जीवन को जो है ना तोले कितना परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया है करके. The Lord spoke that to me many years ago. कई साल पहले पूर्व परमेश्वर ने मुझसे बात की. Don't evaluate your life by your Bible knowledge. कि आपको कितना बाइबल का ज्ञान है उसके अनुसार ना तोले. The devil knows the Bible better than you. क्योंकि जो शैतान है उसको आपसे ज्यादा परमेश्वर के ज्ञान के बारे में जानते हैं. Evaluate yourself by how much you have obeyed the Bible, not studied the Bible. और कितना परमेश्वर के वचन का आपने पालन किया है उसके अनुसार अपने जीवन को तोले, ना कि कितना जानकारी है. Then I prayed a prayer. फिर मैंने प्रार्थना किया. Lord, I don't want to read through the Bible 50 times. और परमेश्वर, मैं वचन को केवल 50 बार पढ़ना नहीं चाहता. I want the Bible to go through me once. और मैं चाहता हूं कि जो पवित्र वचन है वो मेरे भीतर से गुजरे एक बार. Not me go through the Bible 50 times. मैं 50 बार इस वचन को पढ़ना नहीं. But the Bible go through me once. लेकिन कम से कम एक बार वचन जो है मेरे अंदर से आर पार हो जाए. That means, इसका मतलब, Lord, before I leave this earth, कि इस संसार को छोड़ने से पहले, I want to obey every single commandment that you have written in the Bible for Christians. और हर एक मसीहों के लिए जो तूने आज्ञा दी है वो पूरी आज्ञा को मैं जो है वैसे का वैसा पालन करना चाहता हूँ. That's what God wants me to. और यही परमेश्वर चाहता है मुझसे. You know, so that I can be effective for the Lord. ताकि मैं परमेश्वर के लिए असरदार बन सकूं. Obey every commandment. हर एक आज्ञाओं का पालन कर सकूं. And secondly, और दूसरा, Lord, before I leave this earth, I want to claim every promise in the Bible which you have given for Christians. और परमेश्वर, जितने वायदे तूने मसीह लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए दिए हैं, वो सब मैं अपने जीवन में प्राप्त कर सकूं. I don't want to obey commandments given to Israelites like circumcision and Sabbath and all that. मैं वो जो आज्ञाएं इज़राइलियों के लिए दिया है वो नहीं पालन करना चाहता हूं. Everything given for Christians. लेकिन हर एक मसीहों के लिए जो दिया है वो. I don't want to claim the promises given to Israel in the old covenant that you'll be wealthy and you'll be healthy and all that. और पुराने नियम में जो वायदे परमेश्वर ने इज़राइलियों के साथ किए हैं वो सब मैं अपने जीवन में पाना नहीं चाहता. That you'll be healthy and wealthy. कि तुम अच्छे तंदुरुस्ती से रहोगे और बहुत धनवान रहोगे. Given to Christians, every promise. लेकिन हर एक मसीहों के लिए जो वायदे दिए, जो वायदे मसीह लोगों के लिए किए, वो मैं पाना चाहता हूँ. Some of you have claimed some of the promises. और आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वायदों को प्राप्त करने के लिए मांगा होगा परमेश्वर से. You have a passion to claim all the promises.
क्या आपके अंदर वो जुनून है कि हर एक वायदों को परमेश्वर से मांगे? Supposing one day, ऐसे मान लीजिएगा एक दिन, you get 100 checks in your name in your letter box. और आपके लेटर बॉक्स के अंदर 100 चेक आपके नाम से आपको मिले. By some amazing miracle, 100 checks. और कुछ अद्भुत कार्य हुआ और 100 चेक आपके जो है लेटर बॉक्स में आ गया. Real checks of money. असली चेक जिससे आपको पैसे मिल सकता है. From various people. और भिन्न भिन्न लोगों से. Maybe birthday gifts or whatever it is. और हो सकता है जन्मदिन का तोहफे के रूप में या किसी भी प्रकार से. How many of them will you deposit in the bank? और आप उस चेक में से कितने जो है बैंक के खाते में डालेंगे? Half, 75%. 75% या आधा चेक? Even the most careless person sitting here will deposit all of them. और जो बिल्कुल जो है बिल्कुल जिम्मेदारियों को नहीं पालन करते वो व्यक्ति भी 100 के 100 चेक जाके डाल देगा. Because when it comes to money, wow, we are very careful. क्योंकि जब धन दौलत की बात आती है तो हम बहुत ही सावधान हो जाते हैं. Do you know that a promise is like a check? क्या आप लोग जानते हैं कि जो परमेश्वर के वायदे हैं वो चेक के समान हैं? Do you know there are checks lying in this book that you haven't claimed? क्या आप लोग जानते हैं कि इस पवित्र बाइबल के अंदर वो चेक रखे हुए हैं जो आपने अभी तक मांगे नहीं? That's why you are poor spiritually. इसीलिए आप आत्मिक तौर से आज भी गरीब हैं. I want to be as rich spiritually as God wants me to be. और मैं जो परमेश्वर जितना चाहता है उतना अधिक धनवान आत्मिक तौर से बनना चाहता हूँ. I know that all the commandments are for my good. और मैं जानता हूँ कि जितने व्यवस्था दी गई हैं, आज्ञाएं दी हुई हैं, वो सब मेरी भलाई के लिए हैं. That's why I want to obey all of them. इसीलिए मैं उन सब का आज्ञा पालन करना चाहता हूँ. See, if you're unhealthy and the doctor prescribes certain medicines for you to take. मान लीजिएगा आप कि जो तंदुरुस्ती वो ठीक नहीं है, कोई बीमारी है, तो जो डॉक्टर लिख के देगे वो सब दवाई आप लेंगे. See, he says you take this medicine and this tablet and this tablet and this tablet, I guarantee your health will be perfect. हाँ, अगर जो कोई डॉक्टर कहता है कि ये दवाई फलाना दवाई वगैरह लो और आप उससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. You will not have any sickness. और उसके बाद आप कभी कोई बीमार नहीं रहेंगे. I tell you, all of us will take it. तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम में से हर एक व्यक्ति उन सब दवाइयों को लेंगे. Commandments are like that. और इसी प्रकार हुकुम या व्यवस्था भी है. It's a wonderful thing to enter into the new covenant. और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि नए वाचा में प्रवेश करना. There are commandments in the new covenant about rejoice always. और नए नियम में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि लिखा हुआ है कि हमेशा प्रभु में आनंदित रहो. There are two words that can distinguish old covenant and new covenant. दो लफ्ज दो शब्द ऐसे हैं जो पुराने नियम और नए नियम में भिन्नता पैदा करते हैं. Old covenant was outward, new covenant is inward. और जो पुराना नियम है वो बाहरी तौर से है और नया नियम अंदरूनी तौर से. The other is old covenant was partial, new covenant is total. और जो पुराना नियम है वो एक अंग है, थोड़ा सा टुकड़ा है, लेकिन जो नया नियम है वो पूर्ण है. As I said, 10% now 100%. जैसे कि मैंने बताया पुराने नियम जो है 10% और नए नियम में 100%. The new old covenant rejoice on the Sabbath day. और पुराना नियम कहता है कि सबत के दिन आनंदित रहो. Now it says rejoice always. और नए नियम में कहते हैं कि हमेशा आनंदित रहो. Which is better? कौन सा बेहतरीन है? You know how the average Israelite lived? जो ज्यादातर जो इसराइली लोग हैं वो किस प्रकार का जीवन जीते थे? They would come on the Sabbath day and clap, and you read in the psalm, blow instruments and shout and sing and praise their hands and praise God. वो सबत के दिन जो है मंदिर में आएंगे, वो जो है तालियां बजाएंगे और आनंदित उड़ाएंगे, आनंद मनाएंगे, ऐसे बहुत खुश होते थे. They would listen in the synagogue to the word of God. और वो जो है वहां पे परमेश्वर के मंदिर में जाएंगे और वचन को सुनेंगे. And the next 6 days. और अगला 6 दिन they would fight and quarrel and cheat at home. हाँ, वो जो लड़ेंगे झगड़ेंगे और जो है घर में परेशानी. And in the office. और उसके बाद ऑफिस में जाएंगे लड़ेंगे. They'd look forward to Saturday. और उसके बाद वो शनिवार का इंतजार करेंगे. Saturday again they would come and clap and sing and all that. और शनिवार के दिन वापस वो आएंगे और उसके बाद नाचेंगे गाएंगे खुशी मनाएंगे. New Testament we rejoice all the time. लेकिन नए नियम की व्यवस्था के अनुसार हमेशा हमें आनंदित रहना है. Those days in the old covenant, they could try and be free from anxiety on Sabbath day. और केवल वो शनिवार के दिन वो चिंता मुक्त रहते थे. Now we can be free from anxiety every day. लेकिन आज के युग में हम हमेशा चिंता मुक्त रह सकते हैं. So when you enter into this new covenant, you come into a level of life which most Christians don't know. और जब हम नए नियम में प्रवेश करते हैं तो हम उस स्तर में पहुंच जाते हैं जो साधारण विश्वासी लोग नहीं जानते हैं, मसीह लोग नहीं जानते हैं. To me, it's like the difference between walking and flying.
और ये मेरे लिए भिन्नता उस प्रकार से है जैसे कि धरती पर चलना और उड़ना। You know, when you start walking, it's such a strain, even if you go 5 or 6 miles. हाँ, जब हम चलते हैं तो हम जो है बहुत थक जाते हैं, यहाँ तक कि 5-6 kilometers चलने पर भी। But if you're flying, लेकिन अगर जो आप उड़ रहे हैं, you can go thousands of kilometers and you're relaxed. तो हजारों किलोमीटर हम उड़ सकते हैं और थकेंगे नहीं। That's a picture of new covenant and old covenant. और यही तस्वीर है पुराना नियम और नए नियम का। And in the old covenant, they had to obey certain laws. और पुराने नियम में कुछ आज्ञाओं का पालन करना है। But there was nobody to show them how to do it. और कोई नहीं है दिखाने के लिए कि किस प्रकार से करना है। But now in the New Testament, लेकिन नए नियम में, New Covenant, we have an example, Jesus Christ. लेकिन नए वाचा के अनुसार हमारे आगे एक नमूना है, वो है प्रभु यीशु मसीह। It's like the difference. For example, if people are trying to teach you to swim. हाँ, ये एक भिन्नता ऐसा है जैसे कि कोई आपको सिखा रहा है तैरना। Okay, the old covenant is like this. और पुराना नियम इस प्रकार से है। Okay, folks, I'm going to teach you to swim now. हाँ, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, बच्चों तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कैसे कैसे तैरना है। ये है पुराने नियम में। Here's the blackboard. और ये ब्लैक बोर्ड है। See, you must move your leg like this. आपको अपने पाँव को इस प्रकार से हिलाना है। You saw this diagram? क्या आपने ये तस्वीर देखा? And here, this is how you must move your hand. हाँ, इस प्रकार से आपको अपना हाथों को हिलाना है। And then this is how you must put your head in the water and outside the water. और पानी के बाहर और अंदर इस प्रकार से अपने सर को रखना है। You want me to explain it again? क्या मैं आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से आपको समझाऊं? Okay, here is head, hands, legs, everything. हाँ, ये देखेगा सर, पांव, हाथ वगैरह। Okay, folks, go and jump in the river now. हाँ, आओ आप पानी में आप डुबकी मारो। Everybody will drown. सबके सब वहाँ पे डूब जाएंगे। New covenant is. नई वाचा में। Jesus says. यीशु ने कहा। Come with me to the river. मेरे साथ नदी में चलो। No blackboard, nothing. वहाँ पे blackboard कुछ नहीं है। Just stand on the side of the river and see what I am doing. और किनारे में खड़े होकर देखो कि मैं अब क्या करता हूँ। You have seen so many people going to the water and go down. आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि पानी में उतरते हैं और नीचे डूब जाते हैं। But now you see me. आप मुझे देखो। See right up to half a mile. देखो, the river is. आधे किलोमीटर तक जो है वो नदी है। I'm swimming. देखो, मैं तैर रहा हूँ। And I'm coming back. और मैं वापस लौट रहा हूँ। You say, wow. आप सब बोलेंगे वो, हाँ, कितना अच्छा। Lord, have you got the same type of body like me? क्या आपका भी मेरे जैसा शरीर है? Or is this some angel's body that you go? या किसी स्वर्गदूतों का शरीर है? So, no, it's just like you. नहीं, ये आपके समान है। If I don't do anything, I'll also go down like you. हाँ, तो मैं भी आपकी तरह क्यों नहीं कोशिश करूं? If I go down into the river, if I don't swim, I'll go down. हाँ, अगर जो मेरे को तैरना नहीं आता और नदी में उतर जाऊं तो मैं डूब जाऊंगा। Now you do what I do. जो मैं कर रहा हूं वो करो। Follow me. मेरे पीछे हो लो। And little by little I get in and I have faith, I can also do it. और थोड़ा थोड़ा करके मैं कोशिश कर सकता हूँ, मेरे अंदर विश्वास है और मैं कर सकता हूँ। I can't do half a kilometer first day. और पहले दिन मैं आधे किलोमीटर तक नहीं तैर सकता। But I'm learning. Hey, I'm floating a little bit now. हाँ, देखो, मैं तैरने लग गया हूँ पानी के ऊपर थोड़ा थोड़ा। The Lord encourages me. और वो जो है प्रोत्साहित करेंगे। Like you swimmers teach children how to swim, they hold them saying, come on, just move your legs. जैसे एक तैराक जो है अपने बच्चों को प्रशिक्षित करता है, उसी प्रकार देखो मैं पकड़े हुए हूँ अपने हाथ पांव को हिलाओ। This is exact picture of how Jesus leads us to victory over sin. और यही वो तस्वीर है जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह खुद जो है हमें पापों से विजय की ओर चलाता है। He shows us how to do it. और वो हमें दिखाता है कि किस प्रकार से करना है। That's why we look at his example. इसीलिए उसके उदाहरणों को हम देखते हैं। Used to say so often, follow me, follow me. वो ऐसे लगातार बार-बार कहता है कि मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। You know, many Christians admire Jesus. और कई जो हैं मंदमुक्त होते हैं प्रभु यीशु मसीह को देखकर। They don't follow him. वो उसके पीछे नहीं होते। Most Christians, all of you admire Jesus. और ज्यादातर जो हैं उससे मुक्त होते हैं। How many of you are following him? How many of you are? आप में से कितने लोग उसके पीछे होते हैं? In temptation, what he did, are you doing? जब वो परीक्षा में पड़ा तो You know, वो जो किया क्या आप करते हैं? When I understood some of these truths about 40 years ago, और 40 साल पहले जब मैं कुछ सच्चाइयों को समझा, I was still a young man, 35 years old. उस समय मैं 35 साल का जवान था. All the passions of youth in me, just like you have. और जवानी का हर जोश मेरे अंदर था. The passions in a 35-year-old are almost similar to the passions in a 20-year-old. और 35 साल के व्यक्ति के अंदर जो जुनून है, वो एक 20 साल के व्यक्ति के अंदर जैसा ही पाया जाता है. And I was tempted, like anybody else. और दूसरे लोगों के समान ही मेरी भी परीक्षा हुई. I learned in the Bible. और मैंने पवित्र कलाम से सीखा. In Hebrews 4:15. और इब्रानियों किताब 4 उसका 15 से. A truth that revolutionized my life.
वो सच्चाई जो मेरे जीवन को पूर्ण तौर से बदल दिया। Hebrews 4:15. चार इब्रानियों चार उसका 15. That we have a high priest Jesus who can sympathize with our weakness because he was tempted just like me and he didn't sin. और हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, जो हमारी ही तरह निर्बल था और उसके बाद हमारी ही तरह वो परखा गया। And he did not sin. लेकिन तो भी वो निष्पाप निकला। So he was tempted like me, not like somebody else. वो मेरे ही समान, मेरे ही नाई परखा गया, दूसरों की तरह नहीं। Some people say he was tempted like Adam. और कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है आदम की तरह परखा गया। I don't know where they got that idea from. It's not in the Bible. और मैं नहीं जानता कि उनको ये सोच कहाँ से मिला, ये बाइबल के अंदर नहीं। That is, they use their head. ये राय कहाँ से मिला मुझे नहीं मालूम, ये का सर का सोच हो सकता है। Bible says trust in the Lord with all your heart and don't use your understanding. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर पूरे हृदय से भरोसा रखो, ना कि दिमाग से। Clever people read the scripture and say, no, 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 it can't be like that. And they use my head and say, Jesus couldn't have been tempted like me. और जो चतुर लोग होते हैं वो कभी दिल से विश्वास नहीं करते, लेकिन अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा परमेश्वर से नहीं परखा गया है। He could only have been tempted like Adam. हाँ, हो सकता है कि केवल आदम के तरह ही वो परखा गया है। Why not believe the Bible? हाँ, लेकिन ये बाइबल को ऊपर क्यों नहीं विश्वास करते? The Bible doesn't even say that. और बाइबल ऐसा कहता भी नहीं है। God has hidden these things from the clever and the intelligent. और परमेश्वर ने जो है बुद्धिमान लोग और चतुर लोगों से इन चीजों को छुपा कर रखा है। He's revealed them to babes. और ये जो सच्चाई है बच्चों को उसने प्रकट किया। You know what a babe is? क्या आप जानते हैं बच्चे? Simply accept what their dad tells them. और उनके बच्चों के जो पिता जो भी कहते हैं वो उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं। Tell a child. आप एक बच्चे से कहें। 2 + 2 = 5. कि 2 + 2 = 5 होता है। He'll say 2 + 2 = 5. वो कहेगा कि हाँ 2 + 2 = 5. It's not right, but he believes his father. वो सही नहीं है, लेकिन अपने पिता का वो विश्वास करता है। We have a father who will never tell us 2 + 2 = 5. और हमारा एक पिता है जो कभी नहीं बोलेगा कि 2 + 2 = 5 है। He will give the correct thing for everything. वो हर एक चीजों के लिए सही चीज ही बताएगा। We may not understand it. लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। Like if a father explains to a child how the ignition takes place in a car and the car the fires the engine and the engine moves with the petrol being हाँ, अगर जो कोई पिता अपने बच्चे को बोलता है कि कार के इंजन में किस तरह से जो है वो ईंधन काम आता है, ईंधन जलता है और उसके बाद कार चलने लगता है, तो वो बच्चा ये सब समझ नहीं पाएगा। Child says, I can't understand it, Daddy, but I believe you. हाँ, वो बच्चा ये बोलेगा कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ पिता आपके ऊपर। I heard a story once of two children. और दो बबच्चों का एक कहानी है मेरे पास। One was the clever 10-year-old older boy. और एक था चतुर 10 साल का एक बेटा। And the other was a smaller 4-year-old younger brother. और दूसरा जो है छोटा 4 साल का। The 10-year-old boy said. और 10 साल वाले ने कहा। Hey, see what happened. देखिए क्या हुआ। The sun was there in the morning. Now it is here. देखो सूरज सुबह यहाँ पे था, अभी वहाँ पे पहुँच गया। The sun has moved. देखो ये सूरज जो है यहाँ से वहाँ तक गया। In the last 12 hours. 12 घंटे में यहाँ से वहाँ गया। And the little 4-year-old boy said. और 4 साल के बच्चे ने कहा। No, you remember what Daddy told us? क्या आपको याद है पिताजी ने क्या कहा था? That is not the sun who that moves. हाँ, ये सूरज नहीं घूमता। The earth we are standing on is rotating. हाँ, जो धरती जिस पर हम खड़े हैं वो घूम रहा है। And you think the sun is moving. और हमें लगता है कि वो सूरज हिल रहा है। The 10-year-old said, no, I believe what I see. और उस 10 साल के लड़के ने कहा कि नहीं, वो गलत है, जो मैं देखता हूँ उन बातों पे विश्वास करता हूँ। The 4-year-old boy said, 4 साल के बच्चे ने कहा, I believe daddy. मैं अपने पिता पे विश्वास करता हूँ। Where are you? आप लोग कहाँ पर हैं? You believe what your mind tells you? क्या आप उस चीज पर भरोसा करते हैं या विश्वास करते हैं जो आपका दिमाग कहता है? I believe daddy. लेकिन मैं अपने पिता पर विश्वास करता हूँ। Jesus was tempted like me. और प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे ही समान परखा गया। He did not sin. और फिर भी वो निष्पाप निकला। When he was a young 18-year-old muscular man in Nazareth. और वो जब 18 साल का एकदम जवान था। He was tempted with every temptation that young men are tempted. और जिस प्रकार से एक जवान पुरुष के अंदर जो परीक्षाएं आती हैं, उस प्रकार से वो भी परखा गया। He never sinned with his thoughts or eyes or anything. लेकिन उसने कभी भी अपने सोच विचार के द्वारा, अपने आंखों के द्वारा कभी कोई पाप नहीं किया। So I used to say when I was tempted. I used to say this when I was tempted. जब मेरी परीक्षा होता है तो मैं इस प्रकार से कहता हूँ। I said, Lord, when you were in Nazareth, how did you handle this particular temptation?
कि जब आप नासरत में थे उस समय ऐसी परीक्षा के बीच में आप क्या करते थे? I want to have the same attitude you had in Nazareth. और जो आप नासरत में जब रहते थे जिस प्रकार का आपके विचार थे रवैया था वैसा ही मैं भी करना because, चाहता हूँ क्योंकि तूने वही पवित्र आत्मा मुझे दिया है जो तेरे भीतर था. You know, Jesus overcame by the power of the Holy Spirit. क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ? He could not have overcome without the Holy Spirit's power because he came as a helpless man. और वो एक जो है साधारण व्यक्ति के असहाय व्यक्ति के तौर पे इस संसार में जन्म लिया है बगैर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के वो भी कुछ भी नहीं कर सकता. See, it says in Hebrews in chapter 9, इब्रानियों 9 and verse 14. वचन 14, 14वां वचन. How did Jesus offer himself without a single spot of sin in his life to God? ये देखिएगा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को किस प्रकार से अपने आप को निर्दोष परमेश्वर के सामने चढ़ाया. It says here through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा. Through the Spirit he offered himself without a single spot. आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया गया. I said, Lord, you've given me the same Holy Spirit. तो परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तूने वही पवित्र आत्मा मुझे दी है. I have faith. और मेरे अंदर विश्वास है. I can also gradually come to that place. और मैं धीरे-धीरे जो है उस स्तर पर बढ़ने लगा. You did that from the time of your birth, Lord. और तूने अपने जन्म के समय से ही तूने ऐसा किया. Because you did not have a history of sin like I had. क्योंकि तेरे अंदर जो है वैसा कोई भी पाप का कोई पीछे का कोई But कहानी नहीं है. I have a whole history of sin in my life. लेकिन मेरे अंदर पूरा पाप का इतिहास भरा हुआ. Before I got converted. और मेरे मन फिराने से पहले या उद्धार पाने से पहले. After conversion also I am not wholehearted. और पाप को मन फिराने के उद्धार के बाद आने के बाद भी कई बार मैंने आधे मन से समर्पण किया. Now Lord, I'm gripped. I want to be wholehearted. लेकिन अब मैं पूरे दिल से समर्पण करना चाहता हूँ. And I, therefore, it may take a little longer for me. इसलिए मुझे ज़्यादा समय लगेगा. But I believe I can get there. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मैं उस स्तर पर पहुँचूंगा. I want you to have that faith, my brothers. मैं चाहता हूँ कि उसी प्रकार का विश्वास आपके अंदर भी हो. Because प्रिय भाइयों, it says here Jesus was tempted and did not sin. यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह परखा तो गया लेकिन वो निष्पाप निकला. I wish I could convince you about this. He was tempted exactly like you in every area. और जैसे आप परखे जाते हैं उसी प्रकार हर स्तर पर वो भी परखा गया. You know, some people say, you think Jesus was tempted to commit suicide? तो आप लोग पूछेंगे क्या प्रभु यीशु मसीह के अंदर ऐसे विचार आया कि आत्महत्या करें? Sure. हाँ, सचमुच में. The devil told him, jump down from the roof of the temple. तो शैतान ने कहा कि ये मंदिर के ऊपर से छलांग मारने के लिए. What is that? उसका मतलब क्या है? It's the same as if he tempts you to jump down from a bridge or something. हाँ, वो बराबर है अगर जो किसी ब्रिज के ऊपर से कूदने को बोले. It's suicide. वो आत्महत्या है. He said no. यीशु ने कहा नहीं. Every temptation you face, that's not sin. When you reject it, you have not sinned. हाँ, हर एक परीक्षा जो हमारे जीवन में आते हैं उसका जब हम बहिष्कार करते हैं तो इसका मतलब आपने पाप नहीं किया. What should we do? तो हमें क्या करना है? Therefore, verse 16. और 16 में लिखा हुआ है. Come with boldness to God's throne. इसलिए कहा है कि वहाँ पे जो है साहस के साथ परमेश्वर के सामने आने के लिए. 4:16. और 4 उसका 16. And there we will first of all receive mercy. तो वहाँ पे हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे. Mercy means forgiveness. अनुग्रह का मतलब है क्षमा. That Jesus did not need that. और प्रभु यीशु मसीह को क्षमा की जरूरत नहीं है. He never sinned. क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया. But after we get mercy, अनुग्रह प्राप्त होने के बाद, mercy is for the past. और अनुग्रह हमारे जो बीते हुए समय के लिए. Grace is for the future. और अनुग्रह जो है हमारे भविष्य के लिए. The difference there, no mercy and grace. पहले? पहले अनुग्रह. फिर बाद में? दया, दया. Okay, then we get grace. हाँ, उसके बाद दया. We let's read it. We come to the throne of grace. हाँ, दया के उस सिंहासन के पास आते हैं. And we receive mercy. और sorry, अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं, फिर हमें दया प्राप्त होता है. पहले दया और उसके बाद. That means I first get for mercy for my past sins. हाँ, पहले मुझे जो है अपने पीछे के पापों से दया मिलती है. God forgives me. परमेश्वर उसको माफ करता है. And then for the future. और उसके बाद भविष्य के लिए grace. वो हमें अनुग्रह देता है. Grace for what? अनुग्रह किस लिए? To help me in my time of need.
वो ताकि हमारी आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे. He is not talking about financial need. और यहाँ पे वो जो किसी धन देकर हमारी जरूरतों को पूरा करने के बारे में नहीं कह रहा. He is not talking about sickness. वो हमारी किसी बीमारी के बारे में नहीं बोल रहा. Verse 15 is talking about temptation. और यहाँ पे 15 में जो है वो हमारी निर्बलताओं का या परीक्षाओं के बारे में कह रहा है. That is the time of need where I need help. और जब हम निर्बल होते हैं उस समय हमें आवश्यकता है परमेश्वर की. I'm about to slip and fall. कि परमेश्वर अनुमति ना दे कि मैं फिसल कर गिर जाऊं. मेरी मदद कर. Like you find your child somewhere is hanging somewhere about to fall down and say, Daddy, help me, I'm falling. और आपका बच्चा ऐसे मान लीजिए कि कहीं पे लटका हुआ है और गिरने वाला है और वो चिल्ला रहा है कि पिताजी मेरी मदद करें. You come and hold him. तो एकदम से आप आएंगे और उसको उठाएंगे. That's what God will do for you. और यही कार्य परमेश्वर भी आपके लिए करेगा. Maybe in some situation you are tempted to get, you're going to get angry now. हो सकता है कि ऐसा कोई परिस्थिति आए जहाँ पे आप क्रोधित होने वाले हैं. And you say, Lord, I don't know what's going to happen. I'm going to get angry now. आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर अभी मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्रोधित हो रहा हूँ. Give me some grace now. ओ मुझ पर कुछ अनुग्रह कर. You find the Lord lifting you up and preventing you from falling. और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर आपको उठाएगा और आपको गिरने से बचाएगा. Whatever your particular weakness is. जो भी आपके जीवन की निर्बलताएं हैं. You try this homework which I give you. हाँ, ये मैं होमवर्क के तौर पे देता हूँ, आप घर जाके करें. Whenever you're tempted in your particular weakness next time. जब कभी आप किसी निर्बलता से गिरते हैं. You're about to fall. हाँ, आप गिरने वाले होंगे. You cry out. आप रोए. Lord, help me, give me grace. कि हे प्रभु मेरी मदद कर और अपना अनुग्रह मुझ पर दे. And after a little while you say, how is that? I didn't lose my temper. और देखिएगा आप बोलेंगे अरे मैं क्रोधित नहीं हुआ. How is that? I didn't go to that pornographic site. अरे देखो मैं उस अश्लील तस्वीर को देखने नहीं गया. How is that? I didn't feel jealous of that person. और ऐसे कैसे हो गया कि उस व्यक्ति के ऊपर मेरे को जलन नहीं हुआ. Even though he's my enemy. हालांकि वो मेरा दुश्मन है. And he prospered in some way. I'm happy. और वो जो है तरक्की पाया उसके बावजूद मैं खुश हूँ. Normally I would have been jealous of him. और साधारण तौर से मैं उसके ऊपर जलन महसूस करता हूँ. I have practiced this and experienced it for years. और ये मैंने अपने जीवन में जो है इस्तेमाल किया, लागू किया है और उसके ऊपर चला हूँ. People ask me, what is your definition of grace? और कई लोग पूछते हैं अनुग्रह का जो है Here it is. परिभाषा क्या है? Help in time of need. और यह है आवश्यकता के समय हमारी सहायता. Whatever my need is, help from God. कि मेरी सहायता जब मुझे जरूरत है तो परमेश्वर से प्राप्त होता है. It's a wonderful thing. This is new covenant. They could not have it in the old covenant. और ये नया व्यवस्था है, नई वाचा का है. ये कभी पुराने नियम में किसी को नहीं प्राप्त हुआ. Another thing, there are a lot of people who are afraid of Satan, even believers. यहाँ तक कि कई सारे विश्वासी जो है शैतान से डरते हैं. I want to tell you that it's not God's will that we should ever be afraid of Satan. और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम कभी भी जो है शैतान से डरें. Oh, that he's done somebody's done black magic on me. और किसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर काला जादू किया है. Let 100,000 people do black magic on me, it will not touch. चाहे सैकड़ों लोग मुझ पर जो है जादू टोना करें, तो भी वो मुझे नहीं छू सकता है. Because Jesus Christ defeated Satan on the cross. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को पराजित कर दिया है कलवरी क्रूस पर. You know that Jesus died for your sins on the cross. हाँ, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा. If you did not believe that, अगर जो आप वो विश्वास नहीं करते हैं, he would have still died for your sins. Even though you didn't believe it, he died for your sin. हाँ, अगर जो आप विश्वास नहीं करते हैं, तो भी आपके पापों के लिए वो मरा है. But when you die only, when you believe only, you get the benefit. लेकिन जब आप विश्वास करेंगे, तभी उसका फायदा आपको मिलेगा. So many years, I did not believe it, I didn't get the benefit. और कई सालों तक मैंने विश्वास नहीं किया और उसका कोई फायदा नहीं हुआ. Everything that Jesus did, you get the benefit only when you believe in it. और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किया है, जब आप विश्वास करेंगे, तभी आपके जीवन में वो फायदेमंद होगा. The day you believed, Christ died for my sins, you got the benefit of it. और जैसे आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, उस समय आपको फायदा होगा. The day I believed, Christ was tempted like me and did not sin and will give me grace, I got the benefit of it. और जब मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे ही समान परखा गया और निष्पाप निकला, उस समय जब मैं विश्वास करता हूँ, तब वो मेरे जीवन में काम आएगा. Everything is like that. हर चीज ऐसा okay, ही है. Now Christ defeated Satan on the cross. अब देखिएगा प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर शैतान को पराजित किया. How can you be afraid of someone who's defeated? और आप उस हारे हुए व्यक्ति से किस प्रकार से डर सकते हैं? He is not dead. Satan is not dead. और शैतान मरा नहीं है. But his armor has been taken away from him. लेकिन उसके सारे हथियारों को उससे छीन लिया गया है. See,
Colossians 2:15. कोलोसियों 2 उसका 15 निकालिएगा. It says he disarmed the rulers and authorities. और वहां पे लिखा है कि प्रधानतों और अधिकारियों का सारा शस्त्र उसने छीन लिया. He took away all the weapons from him. और सारे प्रधानतों और अधिकारियों का जो है सारा ताकत निकाल लिया, ले लिया. He cannot fire anything at me now because all his weapons have been taken away. क्योंकि उसके जितने हथियार हैं वो सब परमेश्वर ने छीन लिया है. But I can fire at him. अब मैं उसके ऊपर आग बरसा सकता हूं. With the same weapon of the word of God that Jesus used. और जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हथियार यूज किया यानी कि वचन, उसके द्वारा मैं भी उसको जो है गिरा सकता हूं. I've got all these weapons and he's got nothing. और मेरे पास इतने सारे हथियार हैं लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है. I don't know whether all of you believe this. मेरे को नहीं मालूम कि आप में से हर एक व्यक्ति ये विश्वास करते हैं या नहीं. This is one of the great tasks God has given me to go around the world telling people that Satan was defeated on the cross. और यही जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं संसार भर में जाके ये प्रचार करूं कि शैतान जो है हारा हुआ है. He is not dead. वो मरा हुआ नहीं. But he has no weapons. लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं. Then why are you afraid? If you got all the weapons and he's got none. उसके पास कोई हथियार नहीं लेकिन हमारे पास हर तरह का हथियार है, फिर हमें क्यों डरना? A little child with an AK-47 can fire at a massive terrorist who's got no weapons. हाँ, एक बड़ा अगर जो आतंकवादी है उसको भी जो है एक छोटा सा बच्चा AK-47 लेकर उड़ा सकता है. Because he got no weapons and I've got it. क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं लेकिन मेरे पास हथियार है. We don't have to be afraid of Satan. हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं. It's very, very important. ये बहुत ही मुख्य बात है. Hebrews and chapter 2. इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय है. Sorry, not Hebrews. 1 John. पहला यूहन्ना. And chapter 4. चौथा अध्याय. See this verse. I don't know whether you believe it. ये वचन देखें, मैं नहीं, मेरे को नहीं मालूम कि आप विश्वास करते हैं कि नहीं. 4:17. पहला यूहन्ना 4 उसका 17. Last part. उसका आखिरी हिस्सा. As Jesus is, so are we in this world. क्योंकि जैसा वह है, वैसे ही संसार में हम भी हैं. He means Jesus. उसका मतलब वो मतलब यीशु मसीह. As Jesus is, so are we in this world. हाँ, क्योंकि जैसा वो यानी कि जैसा यीशु मसीह है, वैसे ही संसार में हम भी हैं. Stop. Think of that. Think of that verse. हाँ, ये वचन के बारे में जरा सोचें. As Jesus was. हाँ, क्योंकि जैसे वो है यानी यीशु मसीह, वैसा ही हम भी संसार में हैं. How is Jesus today? और जीसस, यीशु मसीह किस प्रकार से हैं? Is he scared of the devil? क्या वो शैतान से डर करता? He was not scared when he was on earth also. और वो जब वो धरती पे था तब भी वो नहीं डरता था. He would say, "Be lost, Satan." शैतान, मुझसे दूर हो जा. Go immediately. और शैतान दूर हो जाता था. Do you know that you can say the same thing? क्या आप जानते हैं कि यही बात आप शैतान से कह सकते हैं? Resist the devil and he will flee from you. शैतान का सामना करो तो शैतान आपके सामने से भाग जाएगा. James chapter 4. याकूब उसका चौथा वचन अध्याय. Verse 7. 7. Submit to God. प्रभु के सामने समर्पण करें. James 4:7. याकूब 4 उसका 7. And then resist the devil after that. And he will flee from you. हाँ, 4 उसका 17. शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा, आपके सामने से भाग जाएगा. First of all, submit to God. सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है. Then resist the devil. और उसके बाद लिखा है कि सामना करो. If your life is submitted to God, अगर जो आपका जीवन समर्पण का है, and you say to Satan, I resist you in Jesus' name. और आप अगर जो बोलते हैं कि शैतान, मैं तेरा सामना करता हूँ यीशु के नाम से. I don't care if you were born again yesterday. ये मायने नहीं रखता कि आप जो है कल के दिन उधार पाए. You become a child of God. और आप परमेश्वर के संतान बने. You were born again only yesterday. केवल कल के दिन, एक दिन पहले आप उधार पाए. But you submitted to God. लेकिन आपने अपना पूरा जीवन समर्पण किया. The devil will flee from you. तो शैतान आपके सामने से भाग जाएगा. It's not by experience. ये कोई अनुभव से नहीं. It's not Satan. I've been a believer 55 years. You better run away from me. हाँ, ऐसा नहीं कि हे शैतान, 55 साल से मैं विश्वासी हूँ. No. तेरे लिए अच्छा होगा कि मेरे सामने से भाग जाए. I have to resist him in the same way that the newborn child has to resist him. और जैसे एक छोटा बालक जैसे उसका सामना करता है, उसी प्रकार मुझे भी करना है. In Jesus' name. और यीशु के नाम से. I want to encourage you to believe that. और मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप उस पर विश्वास करें. The devil can have no power over you. शैतान आपके ऊपर जो है कोई भी ताकत or नहीं रखता. family, और ना परिवार, आपके परिवार के ऊपर, business, ना आपके व्यवसाय के ऊपर, bank account, और ना आपके खातों के ऊपर, anything in your life, या किसी भी वस्तु के ऊपर.
Why do so many believers just allow the devil to come and do so many things? क्यों कई विश्वासी लोग जो है शैतान को अनुमति देते हैं उनके जीवन में कई चीजें करने के लिए? One, they don't submit to God. Two, they don't resist the devil. पहला वो जो है अपने आप को समर्पण नहीं करते परमेश्वर के सामने, और दूसरा वो शैतान का सामना नहीं करते हैं। It's going to be different from today. लेकिन आज से वो एकदम बदल जाएगा। Resist the devil. पहले सामना करें। Make him flee from you. और ताकि वो तुम्हारे सामने से भाग जाए। Make sure he has no place in your life. और ये आप मान लें कि आप शैतान जो है आपके जीवन में कोई जगह ना दे। No place in your home. आपके घर में कोई जगह ना दे। That he doesn't have even a foot inside your door. यहाँ तक कि आपके द्वार के वहाँ पे भी एक कदम ना रखने दे। No. नहीं। You know what the Lord told me? क्या परमेश्वर ने कहा मुझसे? I used to be scared of the devil even after being born again. और उद्धार पाने के बाद ही मैं शैतान से डरता था। Because no preacher told me. क्योंकि किसी प्रचारक ने मुझसे नहीं कहा। As Jesus is, so are you in this world. कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह है उसी समान तुम भी संसार में हो। I wish somebody had taught me that when I was 19 years old. और जब मैं 19 साल का था मैं चाहता था कि कोई मुझे सिखाए ये बातें। I grew up in the brethren assembly. They never taught me anything about these things. और brethren assembly में मेरा पालन पोषण हुआ लेकिन किसी ने मुझे नहीं सिखाया। But I discovered it when I was baptized in the Holy Spirit. लेकिन मैंने ये खोज कर लिया पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बाद। And the Lord said to me. और परमेश्वर ने मुझसे कहा। As you were afraid of Satan in the past, Satan will be afraid of you now in the future. जैसे पूर्व समय में बीते हुए समय में शैतान से तुम डरते थे लेकिन अब से शैतान तुमसे डरेगा उसी समय। But submit to God first. लेकिन सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा करें। If you got an unclean conscience, अगर जो आपके अंदर एक अशुद्ध विवेक है तो something not set right with God, और परमेश्वर के सामने कुछ सीधा नहीं किया है तो something not set right with men, और किसी मनुष्य के साथ अगर जो हमने नहीं सीधा किया है, you cheated, you didn't return the money. अगर जो किसी को आपने धोखा दिया और उसके पैसे नहीं लौटाए, somebody you hurt, you did not ask forgiveness. और किसी को आपने चोट पहुंचाया और उसके बाद माफी नहीं मांगा, maybe your wife. हो सकता है आपकी पत्नी, or somebody, maybe your servant. हो सकता है कि आपके काम करने वाली दासी। If you hurt your servant, are you supposed to ask forgiveness from that servant? अगर जो आपने अपनी दासी को कुछ चोट पहुंचाया तो जरूरी है कि आप उससे माफी मांगे। What do you think? क्या आपको लगता है? Is a servant a creation of God or is she a dog or something? क्या ये जो दासी है वो क्या परमेश्वर ने उसकी रचना नहीं किया या कोई जानवर है? People hurt their dog, they ask forgiveness. हाँ, कई बार जो है वो अगर जो अपने कुत्तों को अगर जो चोट पहुंचाते हैं तो वो माफी मांगते हैं। But when they hurt their servant with some rude word, oh, they don't ask forgiveness. हाँ, लेकिन कभी अगर जो अपने दास दासी को चोट पहुंचाते हैं तो माफी नहीं मांगते। That's why you don't have power with God. इसीलिए आपका जो परमेश्वर की सामर्थ नहीं है। Your conscience is not clear. और आपका विवेक साफ नहीं है। And you tell Satan go away. और फिर आप बोलते हैं बड़े अधिकार से कि शैतान चला जा। Satan will say. शैतान कहेगा। Jesus I know. यीशु को तो मैं जानता हूँ। Paul I know. पौलुस को भी जानता हूँ। Who do you think you are? आप कौन है करके नहीं जानता। I know all about your life. हाँ, मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। I never want Satan to tell me that. और मैं नहीं चाहता कि शैतान ऐसा मेरे बारे में कभी बोले। He did say that to some people in Acts 19. हाँ, प्रेरितों के काम 19 में शैतान ने ऐसे कई लोगों से कहा है। He'll say that to a lot of people today. हाँ, आज के युग में भी कई लोगों से कह रहा है। The only two things you have to be careful about. दो बातों का आपको ध्यान देना है। Unconfessed sin. जो आपने अपने मुंह से स्वीकार नहीं किया है, अंगीकार नहीं किया वैसा पाप। To God or to man. मनुष्य या परमेश्वर। You sinned only against God, you confess only to God. अगर जो आपने परमेश्वर के विरोध किया है तो परमेश्वर के सामने केवल बोलें। Sinned against men also, confess to men also. अगर जो किसी इंसान के विरोध में किया तो इंसान से कहें। Second thing is pride. और दूसरा है घमंड, अहंकार। The devil is full of pride. और जो शैतान है वो अहंकार से भरा हुआ है। You also got pride in you. If you also have pride, और आपके अंदर भी वही अहंकार है तो Satan will say, thank you so much. We are in fellowship. हाँ, तो शैतान कहेगा कि हम दोनों की जो है अच्छा दोस्ती रहेगा करके। Don't try and resist me. इसलिए तो तुम मेरे को ना रोके। Jesus I know, Paul I know, but not you're not like that. यीशु को और पौलुस को मैं जानता हूँ, तुम्हें भी जानता हूँ। But if you determine that you're going to eliminate all pride from your life, लेकिन अगर जो आप एक निर्णय ले लेते हैं कि मैं अपने जीवन से पूरे अहंकार को निकाल दूँगा, no matter what God does for you or through you, you will remain humble. हाँ, चाहे परमेश्वर आपके द्वारा जो कुछ कार्य करे, लेकिन मैं बिल्कुल नम्र रहूँगा। You can speak to the devil and he will flee. तो आप शैतान से बात कर सकते हैं और शैतान आपके पास से भाग जाएगा। I've seen that again. Again and again and again.
मैंने ये चीजें अपने जीवन में कई बार दोहरा दोहरा कर या बार बार देखा है। Even demon possessed people. और यहाँ तक कि शैतान से भरे हुए लोगों को। I never had to speak more than once. मैं कभी भी एक लफ्ज से ज्यादा नहीं बात करता। In Jesus name, get out of that person. मैं केवल इतना हुक्म देता हूँ कि यीशु के नाम से वो व्यक्ति को छोड़कर चला जा। They leave. और वो चले जाते हैं। How many times? कितने बार? And you know immediately they've left because they change. और वो एकदम से छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो लोग बदल जाते हैं। Jesus said, "I'll build my church, and all the powers of hell will not be able to overcome it." प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटकें उस पर प्रबल ना हो पाएंगी। All of you must seek to build the church of Jesus Christ in your locality. और आप सबको जो है जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह में परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को बनाना है। Don't be a lonely Christian. अकेले का एक मसीह ना रहे। Very dangerous. बहुत ही खतरनाक। See, when we build a house in India. जब हम भारत में जब कोई घर बनाते हैं, one truck will come and put 20,000 bricks there. और एक ट्रक आता है और 20,000 उसमें ईंट डाल देते हैं। And if you don't build the house, अगर जो आप वहाँ पे घर नहीं बनाते हैं, you know how it happens in India, day by day the number of bricks will get reduced. तो आप जानते हैं भारत में क्या हाल होता है, एक एक दिन जो है ईंट की गिनती कम हो जाती है। Because somebody else is building the house in the next street. क्योंकि जो है दूसरे गली में कोई और घर बना रहा है। And if you are a lonely believer like bricks piled up there. हाँ, अगर जो आप एक अकेले के एक मसीह बन के रहते हैं तो वो ईंट के समान हो जाएंगे। The devil will just pick you off one by one. हाँ, तो शैतान आकर एक एक करके ईंट उठा लेगा। If it's built into a building like this, how can any you take out a brick from here? अगर जो इस प्रकार का एक इमारत बन जाए तो वो शैतान आकर किस प्रकार से वो ईंट उखाड़ कर ले जाएगा? That is the difference between lonely believers and built into a church. और यही भिन्नता है एक अकेले का मसीह जीवन जीना और एक साथ जो है जुड़कर रहना। People say, oh brother, being in a church is so inconvenient. हाँ, कई लोग बोलते हैं कि कलीसिया में रहना बहुत ही जो है so much pressure. हाँ, बहुत दबाव रहता है दूसरों से। That's what one brick says here. और वही अगर जो यहाँ का एक ईंट कहे, one big brick on top of me. एक ईंट जो है मेरे ऊपर है, one brick this side. और दूसरा मेरे बाजू में है, one brick that side. और दूसरा बाजू one में brick underneath. एक मेरे नीचे, I can hardly move. और मैं बिल्कुल हिल नहीं सकता हूँ. Yes, but you're safe. हाँ, लेकिन आप सुरक्षित हैं. You want to be like that or like that lonely brick out there that's picked off by the devil? आप इस ईंट के समान बनना चाहते हैं या वो ईंट जो सड़क पे पड़ा है और कोई भी उठा के ले जा सकता है? That is why many people do not grow spiritually. इसी कारण से बहुत सारे विश्वासी लोग आत्मिक तौर से नहीं बढ़ पाते हैं। Say, Lord, please help me. आप बोले, प्रभु मेरी मदद कर। Humble myself. और अपने आप को हलीम करें। And be a part of a fellowship. और एक संगति के जो है भाग बने। Others of like mind in this area. नहीं, और जो मेरे जैसा सोच विचार रखते हैं वैसे लोगों के साथ। I don't know which area you live in, which part of Maharashtra. और मैं नहीं जानता कि महाराष्ट्र के किस जगह में आप रहते हैं। गुजरात और somewhere. और गुजरात या कहीं और। But wherever you are. लेकिन जहां कहीं पे भी आप हो। In your area. आप अपने जगह में। You look for godly people. आप ईश्वरीय लोगों को ढूंढें। Now here in this area, these people have organized this church. और ये कलीसिया जिसने ये मीटिंग जो चलाया, there's a meeting. यहाँ पे एक सभा है। If you want to join them, you're welcome to join them. हाँ, अगर जो आप इस कलीसिया में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। Brother Abu, please come here. भाई अबु यहाँ पे आए। So, I want to introduce you to the brother in whose house this church meets.